नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका पुनः स्वागत है। सभी दर्शकों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया और शेयर किया। इसके चलते मेरा वीडियो का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। परीक्षार्थियों का रोल नंबर का निर्धारण कार्यालय के द्वारा किया जाता है। किसी भी परीक्षा में फॉर्म के एक अंश होता है जिसमें कार्यालय कार्य बोल के छोड़ा जाता है, लेकिन 8वीं बोर्ड की परीक्षा में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें रोल नंबर का निर्धारण स्वयं शिक्षक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि रोल नंबर का निर्धारण कैसे होगा और शिक्षक इसको किस प्रकार भरेंगे। तो दोस्तों, परीक्षार्थियों का रोल नंबर का निर्धारण कैसे होगा इसको ठीक से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। रोल नंबर निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण को समझेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज नंबर 2 में एक जगह दिया हुआ है यूडाइस कोड, जो शिक्षकों के द्वारा भरा जाना है। तो सबसे ऊपरी लाइन पर कुछ बॉक्स बना हुआ है जिसमें 11 खाना है, एक एक खाने में एक एक संख्या लिखना है और इसमें विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है 20141000314, और इसके साथ ही हम लोग जैसे सबसे पहला संख्या 2 है तो इधर जो कॉलम है 0 से लेकर 9 तक, तो ऊपर 2 है तो इसलिए हम 2 नंबर को ब्लैक कर देंगे। फिर 0 है 0 को, फिर 1 है तो 1 को, ऐसे 4100031 और 4, ये सभी को हम लोग काला कर देंगे। इससे यूडाइस कोड जो है ना कंप्यूटराइज रीडिंग करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि रोल नंबर कैसे निर्धारण करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज नंबर 2 में एक स्थान दिया हुआ है जिसमें रोल नंबर, उसके बगल में ब्लॉक कोड और फिर डिस्ट्रिक्ट कोड अंकित है। तो हम इसमें एक एक करके बारी बारी से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोल नंबर आप कैसे भरेंगे। रोल नंबर भरते समय आपको ध्यान में देना होगा, अगर आपके विद्यालय में कुल 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन में 40-40 करके विद्यार्थी हैं तो आपको कुल विद्यार्थी होगा 120। और इस स्थिति में आपका पहला विद्यार्थी जो सेक्शन ए से आता है उसका रोल नंबर होगा 001, और आपका ये जो गोला है उसमें 00 और 1 को ब्लैक करना है। इसी तरह से सेक्शन ए का अंतिम जो 40 रोल नंबर है उसका रोल नंबर होगा 040, और फिर सेक्शन बी का पहला स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 041 यानी कि 41, और सेक्शन बी का अंतिम छात्र का रोल नंबर होगा 080 यानी कि 80। इसी तरह से सेक्शन सी का पहला स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो 081 और अंतिम का होगा 120, यानी कि आपको 1 से 20 तक क्रम संख्या अंकित करना है और उसके अनुसार इस बॉक्स में लिख के उसके नीचे का गोला को पूर्ण रूप में ब्लैक कर देना है। इसी तरह से ब्लॉक कोड भी आपको इस तरह से निर्धारण करना है कि बुकलेट में दिया हुआ ब्लॉक कोड पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोड सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कोड में देख लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोड कितना है। जैसे कि यहाँ आपको 23 नंबर दिया गया है, यानी कि 23 नंबर जो जिला है आपका पाकुड़ का है। तो अगर आपका जिला पाकुड़ है तो ये 23 लिखे और ये जो कॉलम है कॉलम के गोला में 2 नंबर और 3 नंबर में ब्लैक करना होगा। और पाकुड़ जिला में आपका कौन सा ब्लॉक आता है इसमें ब्लॉक का संख्या 246 दिया हुआ है, यानी कि 246 यानी कि हीरापुर है। तो हीरापुर को आपको 246 कोड में उस बॉक्स में लिखने के बाद 2, 4 और 6 नंबर जो गोला है उसको ब्लैक कर देना है। तो इस तरह से आपका छात्र का रोल नंबर लिखा जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर कीजिए।
शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियो इसमें अपलोड करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके समक्ष पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।